आप सबका राज के उच्च विद्यालय मसाना रांगड़ा 26 जनवरी के इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता है। तो दोस्तों, आज का ये दिन यूं ही हमारे सामने नहीं आ गया, इस दिन के पीछे एक बहुत लंबी संघर्ष की कहानी है। न जाने कितनी माताओं ने अपने लाल गवाए हैं, कितनी बहनों ने अपनी राखियां गवाई हैं, कितने बच्चों ने अपने पिता गवाए हैं, तब जाके हिंदुस्तान 1947 के दिन आजाद हुआ। और एक ऐसा हिंदुस्तान कि हिंदुस्तान का आवाम अपने देश में अपनी व्यवस्था के अनुसार जिए और मरे, अपने जीवन का विकास करे, अपने जीवन की तमाम खुशियों को प्राप्त करे, ऐसे हिंदुस्तान की कल्पना की गई थी आजादी के दीवानों द्वारा। और उस कल्पना को साकार रूप मिला संविधान निर्माण के द्वारा। देश आजाद हो गया, देश में एक अराजक व्यवस्था थी, पूरे देश को एक कानून के साथ बांधने में, एक भावना के साथ बांधने में अथक प्रयासों के लिए भीमराव अंबेडकर को दुनिया के इतिहास में सदा सदा के लिए याद किया जाएगा। दोस्तों, उन्होंने देखा गुलाम भारत को कि गुलाम भारत में किस तरह भारत का आवाम ऐसी जिंदगी जीता है कि ना तो किसी के पास समानता है, ना किसी के पास समान अधिकार है, ना शिक्षा है। इन सब चीजों को देख के उन्होंने स्त्री से लेकर पुरुष तक, राजा से लेकर रंग तक, बच्चे से लेकर जवान तक, बूढ़े तक, सबको एक समान अधिकार देने की ठान ली। और एक प्रारूप समिति का गठन किया गया संविधान सभा के तहत, और उनको जिम्मा सौंपा गया कि हमें एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जिस व्यवस्था के अंदर भारत के उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक रहने वाला प्रत्येक भारतीय अपनी जिंदगी को खुशियों के साथ जी सके। ऐसा संविधान बना के दिया कि आज हमारी माताएं, बहनें, बेटियां जो कभी 1947 से पहले चूल्हा छोड़कर बाहर नहीं निकलती थी, जो चूल्हे के पास पैदा होती थी वही की वही मर जाती थी, संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों की घोषणा ने वो सब मुमकिन कर दिया। आज हमारी बेटियां, बहनें, माताएं विद्यालय के अंदर शिक्षा ग्रहण करती हैं और अथक प्रयासों से, प्रयत्नों से, मेहनत से ऊंची से ऊंची पोस्ट तक पहुंच जाती है। ये संविधान का ही कमाल है। तो ऐसे भारत के संविधान को, जो दुनिया में सबसे शानदार संविधान माना जाता है, मैं उसको नमन करता हूं।